सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस क्लास में हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो, प्रेशर के बारे में समझते हैं, प्रेशर होता क्या है। आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो, प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि कोई कील है, उसको हम किसी वुडन सरफेस में इन करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हैमर से उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। अब जो सारा का सारा फोर्स है वो नेल पे लग रहा है, यानी उस पर्टिकुलर फोर्स को हम क्या बोलेंगे, हम प्रेशर बोलेंगे। सिंपल से कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया। एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे जो फोर्स लगेगा उसी को हमने प्रेशर बोला। जैसे टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं, उसी तरह हम प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं, और इसकी डिवाइस होगी बैरोमीटर। सो वी कैन से दैट इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर प्रेशर, ठीक है, और उसे हम प्रेशर को मेजर कर लेंगे। टेम्परेचर में आपके पास तीन यूनिट थी, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन। ऐसे ही प्रेशर में भी आपके पास कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर, जिसका सिंबल है एटीएम, उसके बाद पास्कल, जिसका सिंबल है कैपिटल पी स्मॉल ए, फिर बार, उसका सिंबल भी बार ही है, उसके बाद है टोर और एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे कई सारी यूनिट्स हैं प्रेशर की, लेकिन बेटा इन सब यूनिट्स में से आपको याद रखना है जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है पास्कल। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। आपने एक टर्म पढ़ी होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको समझते हैं ये क्या चीज है। अब देखो, एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे आसपास का वातावरण, और जनरली उसमें क्या आता है, द एयर। अब एयर में कितनी सारी गैसेस हैं, और उन गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि हाई काइनेटिक एनर्जी में होते हैं, और गैसेस की काइनेटिक एनर्जी हाई है, दैट मींस वो एक दूसरे पे प्रेशर एग्जर्ट करते रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं गैसेस की वजह से जो प्रेशर लग रहा है अपने एटमॉस्फेयर में, उसी को ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैसेस प्रेजेंट इन आर एटमॉस्फेयर, एंड दैट टाइप ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, प्रेशर कौन एग्जर्ट कर रहे हैं, गैसेस कर रही हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं वो क्या करेंगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए, आपके पास टर्म आती है, हाउ यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है आपके पास, फोर्स अपॉन एरिया। सिंबल की रिप्रेजेंट में करें तो P is equal to F upon A. अब इस रिलेशन को ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों टर्म क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अगर फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, और फोर्स कम है तो प्रेशर भी क्या होगा, कम।
जितनी तेजी से हम हथौड़े को बीट करेंगे उतना ही प्रेशर होगा, उतनी ही जल्दी कील अंदर चली जाएगी वुडन सरफेस में। अब देखो जो प्रेशर और एरिया, इनके बीच में रिलेशन, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, या हम कह सकते हैं अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, अगर सरफेस एरिया डिक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब स्टेट्स के बारे में देखते हैं। देखो अब गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, उनके बीच में लार्ज स्पेस है। देखो हमने क्या कर दिया, इसके जो टेम्परेचर है उसको कम कर दिया, टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, यानी अब ये मूव नहीं करेंगे। अगर हम अब क्या करें, पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर दें तो ये पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, यानी ये सिचुएशन आ जाएगी, पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, क्लोजर आ जाएंगे इस पिस्टन की वजह से। यानी हम कह सकते हैं इफ वी अप्लाई प्रेशर द पार्टिकल्स दे कम नियर टू ईच अदर, क्योंकि उनके बीच में स्पेस है, वो आ जाएंगे, प्रेशर हम बढ़ाए जा रहे हैं, और उससे क्या होगा, पार्टिकल्स पास आएंगे तो स्टेट कन्वर्ट हो सकती है गैस से लिक्विड। अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रेशर इंक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर तो डिपेंडेंट है ही, अगर लोअर टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो जाए तो क्या होगा, हम सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं। तो प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द कन्वर्जन ऑफ स्टेट, ये पार्टिकल्स को पास पास लाता है। आपके पास फोर्स की डेफिनेशन है, आपके पास प्रेशर की डेफिनेशन है कि इट इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फॉर्मूला आपके सामने है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर एंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर को हम बैरोमीटर डिवाइस से मेजर कर सकते हैं, आपके पास कुछ यूनिट्स, एटमॉस्फेयर है, पास्कल है, बार है, टोर है, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे एक रिलेशन है जो आपको याद रखना चाहिए, 1 atm is equal to 1.01 × 10⁵ पास्कल। ये रिलेशन आपको याद रखना है। मान लो 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू होगी उसको हम atm से पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।